देख सकते हो भाई बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही, और सभी भाई जितने भी बोले हैं बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं इस बारिश को देख रहे हो भाई। सुबह शाम दिन रात बारिश हो रही है। हर हर महादेव दोस्तों। तो भाई आज है सावन का छठा दिन और अभी हम पहुंच चुके हैं मुजफ्फरनगर में। यहाँ से हमारा शिव चौक जो है यहाँ से 5 किलोमीटर दिखा रहा है। अगर हम हाईवे चूज करते तो हाईवे भाई 10 किलोमीटर था, मतलब डबल ही समझ लो आप। और अभी जिस रास्ते से हम जा रहे हैं ये वाला रास्ता है भाई, ये गांव से निकलते हुए जाता है सीधा शिव चौक की तरफ, और जितने भी कांवड़ यात्री है भाई इसी से जाते हैं हर साल। जैसे कि देख सकते हैं भाई रोड भी काफ़ी साफ सुथरी है। और भाई यार सुबह से भाई बारिश हो जा रही है, बंद नहीं हो रही यार, रुक जाती है थोड़ी देर के लिए, रुकती है फिर बारिश होने लगती है। तो अभी चल रहे हैं भाई धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आगे, और आज का जो स्टॉप होने वाला है वो शिव चौक ही होने वाला है। शिव चौक में भाई आज मज़ा आने वाला है, क्योंकि रात में वहाँ झांकियाँ बड़ी मस्त मस्त झांकियाँ होती हैं, एक से एक कांवड़ आती हैं, वहीं पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा तगड़ा होता है, तो वहीं चलेंगे आज, वहीं दिखाएंगे। और अभी भीड़ देखो भाई क्या बात है, देख रहे हो आबादी क्षेत्र, कृपया धीरे चले। सही बात है भाई, मुजफ्फरनगर है भी काफ़ी बड़ा क्षेत्र। और जिस गाँव से हम निकलने वाले हैं ये है बझेड़ी गाँव। तो भाई देख सकते हो भाई पूरे ढोल बाजे लेके चल रहे हैं हमारे भोले, क्या बात है। तो भाई ये चेक करो कितनी प्यारी कावड़ आ रही है भाई, बम 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 बम। भोलेनाथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना अच्छा मौसम कर रखा है कि जो यात्री है भाई पूरे धूमधाम से जा रहे हैं कांवड़ लेके अपनी। और भाई मुजफ्फरनगर में आपको भाई बड़ी बहुत सुंदर सुंदर झांकियां देखने को मिलेगी। तो चैनल पर नहीं होता चैनल को सब्सक्राइब कर दो एक बार यार, काफ़ी मज़ा आ रहा है। अभी हम गुजरने वाले हैं मुस्लिम क्षेत्र के अंदर, जो भी भाई मुजफ्फरनगर में है सारा मुस्लिम क्षेत्र है, जितने भी मुस्लिम लोग हैं भाई देखते हैं क्या प्यार मिलता है, क्या प्यार नहीं मिलता आपको शेयर करते हैं, आगे चलते दिखाते हैं। क्या बात है देख लो भाई, छोटे छोटे बच्चे भाई कांवड़ लेके जा रहे हैं, ये देख सकते हो भाई एकदम मस्त होके झूमते हुए जा रहे हैं, क्या बात है। यार को मनाने मेरे यार को मनाने। गाते हुए जा रहे हैं सभी बोले, ये चेक करो क्या बात है यार भाई, कॉपीराइट चैनल पे बहुत ज्यादा आने वाला है, क्योंकि कांवड़ यात्रा सारी गानों से ही भरी है यार। आगे चलते हैं, सामने देख रहे हो भाई सारे अपने भोले के भक्ति दिखेंगे आपको रोड पे, बाकी सब अपने घरों में है, सब अपने मजे में देख रहे हैं भाई, काफी अच्छा लगता है यार ऐसे। चलो चलते हैं आगे की ओर। और जो ये तीसरी विशाल कांवड़ है ये हरिद्वार से दिल्ली रन होला जा रही है भाई, क्या बात है। ये 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 हमारा चीलू क्या बात है। तो भाई ऐसे ही नाचते गाते जाते हैं, बढ़ते रहो बोले, बढ़ते रहो बोले, हर हर महादेव, बढ़ते रहो बोले। बढ़ते रहो। चलो बोले बढ़ते रहो, क्या बात है। तो वही भोले जाएंगे आजादपुर मंडी दिल्ली, क्या बात है। कितने लीटर जल होगा बोले? 28 लीटर जल है। और बोले भाई अकेले इस यात्रा को पूरी कर रहे हैं, देख सकते हो भाई भोले के साथ कोई भी नहीं है, और पैर भाई छाले पड़ चुके हैं, फिर भी देख लो भोले रुक नहीं रहे यार, क्या बात है। जय हर हर महादेव, बम 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 बम
अभी पहुंच चुके हैं हम मुजफ्फरनगर अंडरग्राउंड के ऊपर, जो शिव मंदिर आता है यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और चलते हैं अंदर, और यहाँ पर भाई बहुत ही ज्यादा भक्तों की बहुत ज्यादा भीड़ है। ये आप चेक कर सकते हैं भाई, आप चारों तरफ आपको कावड़ी कावड़ दिखेंगी चारों तरफ। ये चेक करो, वो सामने है भाई एक नोट की माला, और यहाँ देख सकते हो भाई सिर्फ भक्तों का भाई देख लो, पूरी भीड़ नजर आने वाली है आपको। पूरा अंडरग्राउंड भरा हुआ रहता है यहाँ पर, और शिव मंदिर भी पूरा भरा रहता है भाई। ये चेक करो यार, और सामने है भाई 20 रुपए के पैसों की माला, पूरी पूरी कावड़ जो है भाई ये पैसों से भरी हुई है। और सामने हमारे भोले जी जो भाई हैं, देखो अपने कंधों पे उठा के लेके जा रहे हैं हमारे भोले को। क्या बात है भाई, ऐसा नज़ारा आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा यार भाई। व्यवस्था तो काफ़ी अच्छी है यहाँ पर बारिश की वजह से यार सारा देख रहे हो कितना बेकार हो चुका है बारिश की वजह से। फिर भी भाई बहुत कोशिश की जा रही है कि अच्छे से काम हो जाए यार। देख सकते हो भाई पूरी साफ सफाई चल रही है भाई यहाँ पर, और यहाँ पर भाई कलश भी रखे हुए हैं भाई। ऐसे बीच में कलश ना रखे यार, क्योंकि ये गिर सकते हैं। देख सकते हो एक टेढ़ा हो रहा है भाई, ऐसे मत करो यार। इतनी दूर से आप लेके आते हो तो भगवान ना करे यार ये खंडित हो जाए। बस और आगे बढ़ते हैं, अपना भोजन करते हैं, उसके बाद चलेंगे आगे की ओर। देख रहे हो कितना प्यारा नज़ारा भाई, ऐसा नज़ारा आपको कहीं देखने को मिलेगा सिर्फ ये भाई सिर्फ भक्तों में ही ऐसा नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। तो भाई यहाँ पर करते हैं हम थोड़ा सा भोजन, उसके बाद बढ़ेंगे आगे की ओर। देख सकते हो भाई क्या बात है। तो भाई ये बस, और यहाँ पर मिल गया भाई आपको चाय। देख सकते हो भाई ये है सिद्धिपीठ महादेव मंदिर, और ये आ चुके हैं भाई अपने जवे नमकीन जवे। क्या बात है भाई, यहाँ चलिए भाई सेवा। देख सकते हो भाई आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं। तो जस्ट अभी थोड़ा सा भोजन करके निकले ही थे, अंडरग्राउंड पार करने के बाद भाई बहुत ज्यादा भयंकर बारिश होने लगी। मुझे लगता है भाई ये बारिश 15 तारीख से पहले रुकेगी नहीं, होती रहेगी भाई, दिन रात बारिश हो रही है, वो भी बहुत तेज तेज रुक रही है। बस एक दो मिनट के लिए रुक रही है, जैसे रुकते हैं भोले आगे बढ़ने लगते हैं। फिर जैसी बारिश होने लगती है तो भाई भोले इधर उधर दुपकने लगते हैं यार, क्या कर सकते हैं। और ये नज़ारा देखो यार, बारिश कितनी ज़्यादा तेज हो रही है, देख रहे हो पूरा रोड भर चुका है भाई बारिश से। और अभी क्या पता थोड़ी देर में भाई पानी पानी हो जाए। देख सकते हैं आप मेरे सामने थोड़ा थोड़ा पानी भरने लगा है, पता नहीं भाई ये बारिश कब बंद होएगी। सुबह से शाम तक भाई बारिश होती रहती है, एक दिन में भाई 10 किलोमीटर चलना भी बहुत ज़्यादा भारी हो रहा है, क्योंकि बारिश की वजह से यार भोले आगे बढ़ ही नहीं पा रहे यार, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और जितने भी सिविल लगे हुए हैं ना उनमें भी यार पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है यार। तो बस भगवान से यार यही मन्नत मांगता हूँ कि भगवान बारिश करो, पर इतनी मत करो कि पूरे रात पूरे दिन बरसात हो रही है। ऐसे में यार शिविर में पानी जा रहा है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है यार, भक्तों को अपना रहने में खाने पीने में बहुत काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उन्हें हो रही है जिन्होंने ये शिविर लगाया है, जिन्होंने इतना ज़्यादा पैसा लगाया है हमारे भक्तों के लिए कि उनको रहना खाना सब अच्छे से हो सके भाई। फिर भी खा तो रहे हैं पर भाई रहना नहीं हो रहा अच्छे से बिल्कुल भी, क्योंकि हर जगह पूरा गीला हुआ पड़ा है। तो बस भगवान प्लीज़ सुन लो यार, बारिश करो पर थोड़ी थोड़ी करो ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो। और अभी मुजफ्फरनगर अंडरग्राउंड पार करके हम शिव चौक की तरफ जा ही रहे थे, पर क्या कर सकते हैं भाई बहुत तेज़ बारिश होने के कारण भोले आगे नहीं बढ़ पा रहे। देख सकते हो भाई अभी एक भोला आया है, क्योंकि पूरा भीग चुका है, पूरा भीग चुका है। देखो उनकी कावड़ उन्होंने वहाँ रखी है अभी। तो भोले कहाँ तक जाना है? दिल्ली। ऐसी बारिश में कितने दिन में पहुँच जाओगे? प्रॉब्लम हो रही है बारिश में? नहीं हो रही? हो रही है। तो भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि यार एक तो जो सिविल लगे हुए हैं उसमें भोले ढंग से सो भी नहीं पा रहे, क्योंकि पूरा गीला हो जाता है यार। क्या कर सकते हैं यार, बस ऐसी प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है थोड़ी बहुत। कोई नहीं, प्रॉब्लम झेलते झेलते आगे बढ़ते जाएंगे, 15 तारीख को जल चढ़ाना है भाई महादेव से। अभी बैठे हैं थोड़ी देर के लिए, जब बारिश बंद होएगी। बारिश बंद क्या होएगी भाई, देख रहे हो बारिश और तेज़ हो गई। अभी मैं बातें ही कर रहा था और बारिश और तेज़ हो गई। अभी कुछ देर में भाई ये भरने ही वाला है पूरा, देख रहे हो भाई। और आज भाई शिव चौक तक पहुंचना है सभी भोलों को, और शिव चौक पे भाई होने वाली है बहुत तगड़ी भीड़ भाई, हर जगह भोले के भक्ति नजर आने वाले हैं। और रात का जो नज़ारा होने वाला है ना वही भाई बेहद खूबसूरत होने वाला है। तो वीडियो को पूरी देखना, जब भी मज़ा आने वाला है भाई आपको। रात में आपको एक से एक झांकियाँ, एक से एक कावड़ और एक से एक चैलेंज होने वाले हैं भाई आगे शिव चौक की तरफ जाते जाते। तो चलो भाई हम भी अभी बैठ के बारिश का आनंद लेते हैं, और आप भी आनंद लो। मेरी जो पीछे की वीडियो है देख के भाई काफ़ी मज़ा आने वाला है, क्योंकि जो कावड़ यात्रा चल रही है बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है इसमें, इसलिए हम आप लोगों के लिए बहुत
ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना रहे हैं, काफ़ी मज़ा आ रहा है भाई हमें तो बैठ के यहाँ पर। देख लो इतना प्यारा नज़ारा कहाँ दिखेगा यार आपको, कहाँ दिखेगा। तो आपको घर बैठे बैठे ऐसे नज़ारे दिखा रहे हैं और हम रात में पहुँच जाएंगे सिर्फ चौक, वहीं अपना स्टे करेंगे, काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो चलो इस वीडियो को करते हैं एंड, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हर हर महादेव।